ओम नमः शिवाय। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम सब अपने घरों में सकुशल हो। अमृता विद्यालय भुवनेश्वर, कक्षा 8, हिंदी, पुस्तक बसंत भाग 3, पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामतानाथ, अध्यापिका नुपुर श्रीवास्तव, भाग 1। बच्चों, अब मैं आपको कामतानाथ जी का परिचय दे देती हूँ। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर सन 1935 में लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 मई 2015 में हुई। उल्लेखनीय कार्य: समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, छुट्टियां, तीसरी सांस, दिशाहीन, सब ठीक हो जाएगा इत्यादि हैं। उल्लेखनीय सम्मान: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार तथा महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से इन्हें मुक्ति बोध पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले दो तीन विषय की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये हम सब जानते हैं कि मनुष्य तभी सशक्त कहलाता है जब उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, अच्छी हो। और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु मनुष्य अब कुछ न कुछ काम करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। वह कुछ न कुछ काम करता है, कोई बहुत बड़े स्तर पर करता है और कोई छोटे स्तर से शुरू करता है। ये इसके ऊपर डिपेंड होता है कि किसके पास पूंजी ज्यादा है और किसके पास कम है, वो उसी हिसाब से अपने काम को शुरू करते हैं। लघु उद्योगों से हमारा अभिप्राय यह है कि जो लोग छोटे 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 कामों को करते हैं और वो उनके जीवन का साधन होता है, जीवन निर्वाह करने का साधन होता है। ऐसे काम जो छोटे पैमाने से शुरू किए जाते हैं, जिनमें पूंजी कम लगती है और इसको घर से भी शुरू किया जा सकता है, ऐसे कामों को लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग बच्चों प्रायः हम गांव में ही देखते हैं। जो गांव में जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी जीविका का जो साधन होता है वो या तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कार्य, जैसे किसी के पिता कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है कि पिता ने बनाया, फिर उसी उद्योग को उसके बेटे ने शुरू किया। इसी तरह से बांस की चीजें बनाना, जैसे गांव में बांस की चीजें लोग लेकर के डलिया, उससे बहुत सारी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, उसको फिर बेचते हैं और उनसे जो भी उनको पैसा मिलता है वो उनके जीविका का साधन होता है। फिर लघु उद्योग में जैसे आप दर्जी जो टेलर का काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं, जिसमें कम पूंजी लगती है। कुटीर उद्योग भी बच्चों जो घर से जिस उद्योग को शुरू किया जाता है, जिसमें पैसा बहुत कम लगाना पड़ता है। जैसे आजकल औरतें गांव में पापड़ मिलजुल कर पापड़ बनाती हैं, फिर उसको बाहर में जाकर वो लोग बेचते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। आजकल हस्तशिल्प कला यानी कि हाथ से किए गए कार्यों की जो कला है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। और इसका कारण है मशीनी युग। मशीनी युग आने के कारण ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है इसका। जो लोग छोटे छोटे कामों को करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, आज उनकी रोजी रोटी पे बनाई है। जिस गांव में जिस काम को करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता होती थी, वहीं पे मशीन के आ जाने से वही कार्य
10 लोगों की जगह मशीन के द्वारा एक लोग कर लेते हैं, तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मशीनी युग आने से गांव के लोगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हस्तशिल्प कला है, जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। हम इनको आजकल जो ग्रामीण मेला लगता है या लघु एवं कुटीर उद्योग मेला लगता है, उन्हीं में हम आजकल हस्तशिल्प कलाकारी को देख पाते हैं। जैसे बांस से, हाथ से बने बांस के विभिन्न प्रकार की चीजें, फिर कुम्हार मिट्टी के बनाए हुए एक से एक डिजाइनदार बर्तन, हाथ से की हुई कढ़ाई, हाथ से चूड़ियां बनाना लाख की, जो हमारा चैप्टर भी यही है। तो आज क्या हुआ है, लाख की चूड़ियां आजकल उतना लोग नहीं पहनते हैं। मशीनी युग आने के कारण इतने सारे मतलब फैक्ट्री वगैरह बन गए हैं, जो जिनमें एक एक दिन में कितने कितने कितनी कितनी चूड़ियां बनने लगी हैं, उनके दाम भी कम होते हैं। इसी तरह से जो औरतें गांव में जिनकी जीविका का साधन है वो पापड़ जो हाथ से बनाते हैं और उनको फिर वो लोग बेचते हैं, उसमें क्या हुआ है, आजकल पापड़ बनाने की बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। जैसे आप मान लो लिज्जत पापड़ एक उदाहरण के तौर पे ले लो, तो उसमें क्या होता है, एक ही दिन में लाखों लाख पापड़ बनते हैं। तो जिससे कि गांव में के लोग जो जिनके जीविका का साधन है ये, तो प्रभावित होते हैं, वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगारी बढ़ने से वो लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने इसी स्थिति को दर्शाया है कि मशीनी युग ने किस प्रकार ग्रामीण जीवन को, हस्तशिल्प कलाकारों को प्रभावित किया है, इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी क्या दशा है, उनकी क्या संवेदना है, इन सब के बारे में हमें एक बताया है। इस पाठ के मुख्य दो किरदार हैं, एक है बदलू काका जो लाख की चूड़ियां बनाते थे, जिनके निर्वाह का साधन यही था लाख की चूड़ियां बनाना, और दूसरा है स्वयं लेखक। ये इस पाठ के दो प्रमुख किरदार हैं। अब हम आपको सबसे पहले लाख के विषय में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बच्चों, लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। जिस प्रकार एक रेशम का कीड़ा होता है जिससे रेशम बनाया जाता है, उसी प्रकार लाख का भी एक कीड़ा होता है, एक कीट होता है जिससे लाख बनाया जाता है। चूंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसको पिघलाकर हम विभिन्न प्रकार के आकार दे सकते हैं। जैसे लाख की चूड़ियां बनती हैं, लाख की गोलियां बनती हैं, और साज सज्जा की बहुत सारी चीजें जो हैं लाख से बनाई जाती हैं। हम अपने दूसरे वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे।